बागनगर में माहेश्वरी महिला और बंधु संगठन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा महोत्सव में भक्तिमय आनंद चरम पर पहुंचा। कथावाचक राष्ट्र संत पंडित गोपाल कृष्ण जी शर्मा ने अपने ओजस्वी प्रभारी वाणी से भक्ति धर्म राष्ट्र प्रेम के संगम के साथ भक्तजनों को भगवान के अनन्य भक्तों की कथा का रसपान करवाया। साथ ही सनातन संस्कृति और श्रेष्ठ संस्कारों के प्रसार के लिए संयुक्त परिवार में रहने वाले परिवारजनों का भावभीना सम्मान किया गया और बच्चों सहित श्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए बाल आयु संस्कार कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पंडित शर्मा ने कथा महोत्सव में संयुक्त परिवार को सनातन संस्कृति की गौरवशाली व्यवस्था बताते हुए कहा कि संयुक्त परिवार में रहकर ही बच्चे संस्कारवान और प्रतिभाशाली बनते हैं। बाल संस्कार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों को संस्कृति के अनुरूप उनके संस्कार, अच्छी आदतें, राष्ट्र प्रेम की भावना सिंचित करने के लिए गुर सिखाए गए। माहेश्वरी भवन पर रात्रि कालीन आयोजित इस कथा महोत्सव में पूरे सप्ताह बड़ी संख्या में भक्त जनों ने शामिल होकर पुण्य लाभ लिया। सुंदर प्रश्न आपने किया है। भगवान की कथाएं तो कई लिखी हुई है, लेकिन ये जो भक्तमाल कथा है, एक परम पूज्य संत नाभादास जी महाराज हुए हैं अग्रदेव जी के शिष्य, उन्होंने भक्तों की कथा लिखी, जिन्होंने भगवान की भक्ति की, जिन्होंने राष्ट्र भक्ति की, जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश को और समाज को जागृत रखा, ऐसे संतों की कथाएं इसमें आती है। कई ऐसे संतों की कथा भी है जिन्होंने धर्मांतरण रोका, कई ऐसे संतों के का भी उसमें उल्लेख आता है जो जिन्होंने घर वापसी की, ऐसे लोग जो सनातन पंथ से हट गए थे, उनकी विचारधारा बदल गई थी, उनको पुनः अपनी विचारधारा में लाए। कई मुस्लिम संतों का भी इसमें वर्णन है जिन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं से प्रभावित होकर के, जैसे रसखान रहे हैं, राबिया रही है, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी रहे हैं, जैसे वो मेहरुन निसा रही है, जैसे दारा शिकोह की बेटी ताज बीवी रही है, ताज बेगम रही, ऐसे कई ऐसे संतों का वर्णन भी उन्होंने किया जो समाज के लिए, देश के लिए अपने धर्म को भूलकर और लगे हैं इस भारत भूमि की सेवा में। ऐसे सभी संतों की उसमें कथा है। धन्यवाद।